राजधानी शिमला में निजी बस चालकों और परिचालकों की हड़ताल है। हड़ताल की वजह से रोजाना काम के लिए आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निजी बस ड्राइवरों कंडक्टर की हड़ताल की वजह से लोग गंतव्य तक देरी से पहुंच रहे हैं। इसी बीच लोगों को उम्मीद थी कि हड़ताल के दौरान ज्यादा सरकारी बसों का संचालन किया जाएगा, लेकिन बसें कम चलने से लोग परेशान हो रहे हैं। सरकारी बसों में ओवरलोडिंग कर लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। शिमला के अलग अलग इलाकों में बस का इंतजार कर रहे यात्रियों ने कहा कि निजी बसों की हड़ताल की वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को हड़ताल के दिन ज्यादा बसों का संचालन करना चाहिए था, लेकिन बसों का संचालन ना के मात्र हो रहा है। ऐसे में बसों के इंतजार के लिए घंटों तक सड़कों पर खड़ा रहना पड़ रहा है। HRTC के जो बसें रूट पर आ रही हैं, वो पहले से ही ओवरलोडेड है। ऐसे में आने जाने वाले सभी लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। भाई साहब, बहुत दिक्कत आ रही है। सुबह से मैं एक घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे को ये इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि आज स्ट्राइक है प्राइवेट बसों की। पर अगर मान लो स्ट्राइक है भी, तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी बसें चलानी चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक का तो नोटिस पहले गया होगा सरकार को, उसके बाद ही उन्होंने स्ट्राइक की होगी। सही बात है ना? तो जैसे सरकार को पता था कि आज डेट में स्ट्राइक होने वाली है, तो उनको ये करना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी बसें चलाएं। देखिए यहाँ पर लाइन देखो कितनी लंबी, आगे बात दिखा सकते हो कितनी लंबी है। सब इसलिए खड़े हैं यहाँ पे कि वो सब प्राइवेट बसें का वेट कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट बसेज़ के ऊपर ही मतलब शिमला का जो ट्रैफिक है वो चलता है। काफ़ी हद तक लोग मतलब प्राइवेट बसेज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। पर अगर आज ऐसा कुछ था, तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी बसेज चलानी चाहिए थी। आसपास से एरिया जो भी है, उनको थोड़ा बहुत मतलब वहाँ से मंगवा कर यहाँ पे सरकारी बसेज। लेकिन यार भाई, ये तो अब डिपेंड करता है, ठीक है ना? अगर सरकार ने लोगों के हिसाब से अपना डिसीजन लिया होगा, तो फिर तो ठीक है ना? फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कि लोगों की जेब में ऐसे तो भारी बोझ पड़ रहा है महंगाई की वजह से। अभी ठीक है, 2 रुपये तो घटाएं, कोई ज़्यादा थोड़ी घटाएं, है ना? कोरोना काल के टाइम भी तो इनको रियायत दी थी बस वालों को, उस टाइम किराया बढ़ा दिया था। तो अब सब कुछ स्थिति नॉर्मलाइज हो गई है, तो बस ये है कि ठीक है, अच्छी बात है किराया घटाया, वो तो मतलब कस्टमर के फेवर में ही है ना। दिक्कत बहुत हो रही है मुझे, 1 घंटा हो गया खड़े हुए और बसेस नहीं आ रही हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही है मुझे। जरूरी काम से जाना है शिमला, तो मतलब मेरे को काफ़ी परेशानी हो रही है। टाइम भी मतलब मेरे पास कम बचा है, तो मतलब वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, मेरे को तो टाइम नहीं है, तो फिर काफ़ी मुश्किल आ रही है। सरकार को शायद प्राइवेट बसेस चलानी चाहिए। हाँ सर, चलानी चाहिए, क्योंकि सर ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को, इसलिए प्राइवेट बसेज मतलब सरकारी बसेज और चलानी चाहिए सरकार।